वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि ऑटो कैड की इनिशियल सेटिंग किस तरीके से करते हैं, और आज हम सीखेंगे कि जब भी आप कोई डिज़ाइन बनाते हो तो वो हमें जब प्रिंट आउट निकालना होता है तो हमें एक पेपर पे निकालना होता है प्रिंट आउट। जो नॉर्मली जो आपके हर जगह अवेलेबल प्रिंटर हैं वो A4 साइज़ A3 साइज़ प्रिंटर हैं। आप उसके अकॉर्डिंग अपना बॉर्डर बना सकते हो, जिसके अकॉर्डिंग जिसके अंदर आप अपनी ड्राइंग वगैरह ड्रॉ करोगे। जिस तरीके से इंजीनियरिंग ड्राइंग में होता था, आपके पास एक ड्राइंग शीट होती थी बहुत बड़ी सी, आप उसको चार में डिवाइड कर लेते थे और वो प्रॉब्लम्स ड्रॉ करते थे, इसी तरीके से यहाँ पर भी आप कर सकते हो। बट प्रिंट आउट हमें निकालना है अल्टीमेटली A4 साइज़ या A3 पेपर पर, तो हम बॉर्डर भी उसी तरीके से बनाते हैं, और उस बॉर्डर को बनाने के बाद हम उसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और ये बॉर्डर हम इसलिए बनाते हैं ताकि जब आप प्रिंट आउट निकालें तो आपको पता रहे कि ये मेरा प्रिंट आउट है, क्योंकि आप उसमें नाम भी लिखेंगे अपना, अपना रोल नंबर भी लिखेंगे, आप अपनी सारी डिटेल्स डाल सकते हैं। ओके, सो इसी तरीके से आप करेंगे क्या, आपको करना क्या होता है, जो भी जब आप ऑटो कैड को स्टार्ट करते हैं कुछ इस तरीके का एनवायरनमेंट आता है, आप कंट्रोल ओपन करके आप अपनी वो फाइल पर जाएंगे जहां पर आपने सेव किया था। जैसे कि मैंने यहां पर ये डॉक्यूमेंट के फोल्डर में सेव कर रखा है, EJ नाम के फोल्डर में। तो मैंने जो लास्ट वीडियो बनाई थी उसको मैंने ग्राफिक्स के नाम से सेव किया, क्योंकि इसमें इनिशियल सेटिंग सारी हो रखी हैं, यानी यू एंटर, डी एंटर, डी एस एंटर, ये सब मैंने इनिशियल सेटिंग्स कर रखी हैं। तो मैं डायरेक्टली इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद अब मुझे इनिशियल सेटिंग्स करने की ज़रूरत नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में। मैं डायरेक्टली उसी फाइल को ओपन कर और मैं यहाँ ड्रॉ करना शुरू कर दूंगा। क्लियर? तो जो बॉर्डर होता है वो बॉर्डर किस तरीके से बनेगा, उस बॉर्डर को बनाने के लिए आपको करना क्या होगा, यहाँ रेक्टेंगल पे क्लिक करेंगे। रेक्टेंगल पर क्लिक करने के बाद एक कॉर्नर पे क्लिक करेंगे इस साइड, और माउस को ड्रैग करेंगे यहाँ पर, इस डायरेक्शन में माउस को ड्रैग करेंगे। ड्रैग करने के बाद आप यहाँ पर डायमेंशन फीड कर सकते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर स्क्रीन पर दो टैब बने हुए आ रहे हैं, जिसमें एक में लिखा हुआ है 61.99 और दूसरे में लिखा है 43.36। होता क्या है, जब आप रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं तो आपको सिर्फ दो डायमेंशन ही चाहिए होती हैं। एक होती है हॉरिजेंटल डायमेंशन और एक होती है हमारी वर्टिकल डायमेंशन। जो सबसे पहला टैब है जिसमें 61.99 लिखा है, ये है हमारी हॉरिजेंटल डायमेंशन, यानी कि जो रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाना है हमें उसकी डायमेंशन। तो यहाँ हम लिखेंगे हम 277, और टैब अगले वाले ब्रैकेट में जाने के लिए हमें टैब का बटन दबाना होता है, और अगले उसमें चले जाते हैं हम। इसमें हमें लिखना होगा 190। जैसे आप ये लिखते हैं और एंटर करते हैं, आपका रेक्टेंगुलर बॉक्स बन जाएगा। अब ये आपको दिख नहीं रहा है क्योंकि दो ही लाइनें दिख रही हैं, लेकिन आप जैसे माउस का जो बीच वाला बटन होता है, जो घेरा सा होता है, जो व्हील होता है, आप उसको रोटेट करेंगे तो आप इसमें जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। और इसके अलावा भी आप ये कर सकते हैं कि यहाँ पर एक ये स्ट्रिप दिख रही होगी आपको, इसमें बीच वाला आइकन, ये वाला, ये होता है हमारा जूम एक्सटेंड। ये बीच वाले आइकन पे जैसे आप क्लिक करेंगे, ये ब्रैकेट आपके सामने पूरा बना हुआ आ जाएगा लाइक दिस। ये आपका बन गया A4 साइज़ का बॉर्डर। ये A4 साइज़ पेज से थोड़ा सा छोटा होता है, क्यों, क्योंकि जब आप बॉर्डर बनाते हो तो वो थोड़ा अंदर ही बनाते हो पेजेस से। अब आपको करना क्या है, जो भी चीज़ आप बनाओगे वो इस बॉर्डर के अंदर बनाओगे, और आप जब प्रिंट आउट निकालोगे तो आपको सिर्फ इतना करना है, इस बॉर्डर को सिलेक्ट करना है, तो ये बॉर्डर भी सिलेक्ट हो जाएगा और इसके अंदर बना हुआ जो भी चीज़ आप बनाओगे वो भी सिलेक्ट हो जाएगा, और कंट्रोल पी करके आप इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हो। क्लियर? यानी आप कंट्रोल पी प्रेस करोगे और आप उसका प्रिंट आउट निकाल पाओगे, अदरवाइज आप प्रिंट आउट निकालोगे तो वो गड़बड़ ही होगा। इसीलिए हम बॉर्डर बनाते हैं ताकि हमारा प्रिंट आउट ईजिली निकल जाए और हमारी डिटेल्स भी सेव रहें। डिटेल्स का मतलब क्या है, यहाँ पर हमें एक छोटा सा बॉक्स बनाना होता है जिसमें हम अपना नाम, रोल नंबर, क्लास, ये सब चीज़ें लिख लेंगे, क्योंकि जब हम प्रिंट आउट निकालेंगे तो हमारा वो मिसमैच ना हो, ताकि दूसरा कोई स्टूडेंट उसको यूज़ ना कर सके, क्योंकि प्रिंट आउट में आपका नाम लिखा होगा तो वो कोई और यूज़ नहीं कर पाएगा प्रिंट आउट से। ओके, यानी जो फाइनल सबमिशन के टाइम पर कोई और यूज़ नहीं कर पाएगा। तो वो किस तरीके से बनेगा, देखो ये जो ब्रैकेट था, ये ब्रैकेट मैंने आपको बनाकर दिखा दिया विद द हेल्प ऑफ रेक्टेंगल। अब अगर किसी को रेक्टेंगल कमांड के थ्रू अगर इसे बनाने में प्रॉब्लम हो रही है तो अब मैं इसको हटा देता हूँ। नॉर्मल कमांड के थ्रू भी बना सकता है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट लेयर सेलेक्ट कर ली, लाइन पर क्लिक किया, इस डायरेक्शन में मैंने लिखा 277, एंटर किया, 277 हो गया। ऊपर की डायरेक्शन में कर्जर को किया और लिखा 190, एंटर, ऊपर लाइन ड्रॉ हो गई। इस डायरेक्शन में कर्जर को मूव किया और लिखा 277, एंटर,
और वापस यहाँ पर नीचे इससे मिला दिया। ये देखो एंड पॉइंट दिखा दिया उसने, ये बन गया। आप चाहो तो इस तरीके से भी रेक्टेंगल को बना सकते हो, आप चाहो तो रेक्टेंगल कमांड का यूज़ करके बना लो, चाहो तो वन बाय वन लेयर का यूज़ करके बना लो। क्लियर? अब हमें क्या करना होता है, इसके बाद हमें यहाँ पर एक ब्रैकेट बनाना होता है, यहाँ पर एक ब्रैकेट। तो उस ब्रैकेट को बनाने के लिए मैं आपको एक और कमांड सिखाऊंगा जो कि होती है हमारी ऑफसेट कमांड। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक लाइन पे क्लिक किया, यहाँ पर मैंने एक लाइन पे क्लिक किया, इस लाइन को मैंने ड्रॉ किया 80 mm का। फॉर एग्जांपल ये 80 mm की मैंने लाइन ड्रॉ की। अब इस लाइन को मुझे ऑफसेट करना है ब्रैकेट बनाने के लिए, मैं आपको एक ऑफसेट कमांड सिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप इसे सिलेक्ट करोगे, ऑफसेट कमांड पर क्लिक करोगे, देखो यहाँ पर ऑफसेट लिखा हुआ दिख रहा होगा, ये वाला, ये रहा ऑफसेट कमांड। यहाँ पर जहाँ मेरा कर्सर इस वक्त, उस पर ऑफसेट लिखा हुआ होगा, ऑफसेट पे क्लिक करोगे तो देखो जैसे आप माउस को नीचे लेकर आओगे तो ये आपसे पूछेगा, ये क्या पूछ रहा है, स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस, यानी कि अब आपको डिस्टेंस डालनी है कि ये लाइन कितना डिस्टेंस पर ऑफसेट करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं इस लाइन को 8 mm पर ऑफसेट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैंने 8 mm लिखा और एंटर किया, हो गया। अब ये बोल रहा है स्पेसिफाई पॉइंट ऑन साइड टू ऑफसेट, या तो वो पॉइंट सिलेक्ट करो या ऑफसेट की डिस्टेंस। अब होता क्या है, अगर मैं नीचे की तरफ क्लिक कर दूंगा तो ये नीचे लाइन ड्रॉ कर देगा, ऊपर की तरफ क्लिक कर दूंगा तो ऊपर लाइन ड्रॉ कर देगा। तो यहाँ लिखूंगा मैं डिस्टेंस, ऑफसेट डिस्टेंस इज 8, एंटर, 8 mm पर ये ऑफसेट हो जाएगी। क्लियर? देखो ब्रैकेट यहाँ पर मुझे एक नाम के लिए, एक नेम फीड करने के लिए ब्रैकेट बनाना है जिसमें आप अपनी सारी डिटेल्स लिखना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर लाइन पर जाऊँगा और यहाँ पर जाने के बाद मैं यहाँ लिखूँगा डिस्टेंस, प्रेस करूँगा 80, ऊपर की तरफ मैं लिखूँगा 24, इस डायरेक्शन में मैं फिर से 80 और डन। ओके, फिर वापस से मैं इस लाइन पर क्लिक करूँगा, इसको मैं ऑफसेट करूँगा विद अ डिस्टेंस ऑफ 8 mm नीचे की डायरेक्शन में, एग्जिट, नीचे की डायरेक्शन में मैंने ऑफसेट किया। वापस से इस पर फिर से क्लिक करूँगा, यहाँ पर फिर से क्लिक करूँगा एक और नीचे की डायरेक्शन में, ये हो जाएगा ऑफ स्पेसिफाई द पॉइंट इस डायरेक्शन में लाइक दिस। ओके, तो ये मैंने बना दिया हमारा ब्रैकेट, डन। जब ये ब्रैकेट बन जाएगा तो यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, सिलेक्ट करने के बाद मूव का आइकन दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर मूव के आइकन पे क्लिक करूँगा, वापस से यहाँ पर मूव के आइकन पे क्लिक करूँगा और इसको ड्रैग करूँगा इस डायरेक्शन में लाइक दिस। ओके, अब मैं यहाँ पर आपको एक और नई चीज़ सिखा देता हूँ कि ये होता क्या है मूव कमांड, कि जैसे मैंने इसको मूव किया तो वापस से मैं अंडू कर देता हूँ, आपको फिर से मूव कमांड सिखाते हैं कि मूव कैसे करते हैं। ठीक है, ये देखो, ये मैंने मूव पे क्लिक किया, सिलेक्ट किया, मूव के ऑप्शन पे क्लिक किया, उसके बाद मैंने इसको इस कॉर्नर पे क्लिक किया, इस साइड के कॉर्नर पे। ये मैं इसलिए क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पर क्योंकि जब मैं इसको मूव कर यहाँ पर लेकर आऊँगा तो मैं इस कॉर्नर पे ला सकता हूँ उसको, और सॉफ्टवेयर मुझे बता देगा कि मैं एंड पॉइंट पर आ चुका हूँ और यहाँ पर मैं क्लिक करके करने के बाद इसको प्रॉपर तरीके से रख पाऊँगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो गया मेरा इनिशियल सेटिंग्स। अब मुझे करना क्या है, यहाँ पर अपना नाम, रोल नंबर, ये सब वगैरह लिखना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नेम, फर्स्ट कॉलम में मैं नेम लिखूँगा, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ मैक 20 टैग। सपोज़ फॉर एग्जांपल ये मेरा नाम हो गया, तो ये मैंने मैक 20 टैग लिख दिया है। आप चाहो तो उसे कैपिटल लेटर्स में भी लिख सकते हो। कैप्स लॉक ऑन करने के बाद Mac 20 टैग ये आ गया नेम आपका, इस ऊपर वाले को डिलीट कर देते हैं। Mac 20 टैग यहाँ पर क्लिक करने के बाद वापस से आप मूव पे क्लिक करेंगे, इसको फिर से सेंटर से क्लिक करने के बाद इसको ड्रैग कर कर यहाँ लाएंगे। ठीक है, अब ये प्रॉपर तरीके से नहीं रखा जाता, मैक्सिमम बच्चों से ये प्रॉपर तरीके से नहीं रखा जाता। इस केस में आपको क्या करना है, जो आपके माउस का बीच वाला बटन है यानी कि जो व्हील लगा होता है, आप उसको रोटेट करेंगे तो आप इसे जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। जूम इन जूम आउट करने के बाद आप इसको प्रॉपर तरीके से रख सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल बीचों बीच रख दिया गया है। ठीक है, या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आप टेक्स्ट में जाने के बाद यहीं पर टाइप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लाइक दिस, यहाँ पर मैं लिखना चाहता हूँ फॉर एग्जाम्पल बी टैक सी एस ई ब्रांच एंड स्लैश
सेक्शन ए, ओके, और यहाँ पर आप वापस से ये लिख दिया है आपने, और यहाँ पर जाकर आप अपना नंबर लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल 1257607, जो भी आपका रोल नंबर, ईआरपी नंबर, जो भी है आप उस तरीके से यहाँ पर लिख सकते हैं। क्लियर? अगर ये थोड़ा आगे पीछे हो रहा है, आप इसको फिर से एडजस्ट करना चाहते हैं, तो आपको फिर से क्लिक करना होगा, यहाँ पर मूव पे क्लिक करना होगा, और आप फिर से यहाँ पर क्लिक करके आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं। जैसे कि ये किया, यहाँ पर क्लिक किया, मूव पर क्लिक किया, फिर से मूव इस टेक्स्ट पर क्लिक किया, और आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, लाइक दिस। ओके, तो ये हो गई आपकी बॉक्स की सेटिंग, यानी कि आपका बॉक्स तैयार हो गया है, जिसके अंदर आपका ये ब्रैकेट तैयार हो गया है, जिसके अंदर आपको सारी की सारी चीज़ें ड्रॉ करनी है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट ड्रॉ करना है, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन ड्रॉ करना है, तो आप यहाँ जाकर बनाकर ड्रॉ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि ये हमने लेयर पे क्लिक किया, प्रोजेक्शन लेयर यहाँ पर क्लिक किया, और यहाँ से यहाँ तक हमने, ये हमारी लेयर हो गई। यहाँ पर हमें कुछ भी चीज़ ड्रॉ करनी है, फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ ड्रॉ करनी है, आप यहीं पे ड्रॉ करोगे और इसका प्रिंट आउट निकाल लोगे इस पूरे ब्रैकेट का। तो जब आप प्रिंट आउट निकालोगे, तो आपकी प्रॉब्लम जो आपने सॉल्व की है वो भी आ जाएंगी, और ये ब्रैकेट भी आ जाएगा जिसमें आपका नाम, रोल नंबर सब लिखा होगा। जब आप सबमिशन करेंगे, तो आपको किसी और की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हाँ, ये पेपर आप ही का है। क्लियर हो गया? और जब इन फ्यूचर जब आप पहली प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे, तो जब दूसरी प्रॉब्लम बनाएंगे, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में क्या होता था, इंजीनियरिंग ड्राइंग की बात कर लेते हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग में क्या होता था कि जब आप इंजीनियरिंग ड्राइंग को सॉल्व करते थे, तो उस केस में हमें ये चीज़ें दोबारा बनानी पड़ जाती थी। अब नई शीट आती थी, तो फिर से पेंसिल से बॉर्डर बना रहे हैं चारों तरफ, फिर से नाम लिख रहे हैं, रोल नंबर लिख रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, और होता क्या था कि आधा टाइम तो हमारा उसी में चला जाता था। बट इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, जिसमें आप सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपकी मिनिमाइज़ हो जाती हैं, ऑप्टिमाइज़ हो जाती हैं, जैसे कि आपको कई सारी चीज़ें बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये ब्रैकेट, ये आपको दोबारा नहीं बनाना पड़ेगा। आपको करना क्या है, सिर्फ इतना करना है, इस पूरे ब्रैकेट को सिलेक्ट करना है, कॉपी के बटन पर क्लिक करना है, और आपको इस कॉर्नर पर क्लिक करना है ब्रैकेट के, और आप यहाँ पर उठाकर इसको यहाँ पर रख देंगे। जैसे आप इसको यहाँ पर रखेंगे, ये ब्रैकेट कॉपी हो जाएगा, ये बीच का आइकन आप डिलीट कर देंगे, आपका प्रीवियसली बना हुआ चीज़ भी रह जाएगा, और जो नया डिज़ाइन बनाना है उसके लिए भी आपके पास ब्रैकेट बना बनाया आ जाएगा। ये आप कर सकते हैं, या फिर जैसे ही आपने पहला ब्रैकेट बनाया था, आप तभी उसको कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद उसकी कई काफ़ी सारी कॉपीज़ बना लेंगे, लाइक हियर, ओके, लाइक हियर, आप इस तरीके से कॉपी बना सकते हैं, और इन फ्यूचर आप उसको फिर ड्रॉ कर सकते हैं जब भी आप चाहें। क्लियर? आप उसे कभी भी बनाकर ड्रॉ कर सकते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम यहाँ आ जाएगी, सेकंड यहाँ आ जाएगी, थर्ड यहाँ आ जाएगी, और फोर्थ यहाँ पर आ जाएगी। तो ये थी आपकी ब्रैकेट की सेटिंग्स, यानी कि इनिशियल सेटिंग्स, कि आप ब्रैकेट किस तरीके से बनाते हैं। तो इस वीडियो में हमने 3 से 4 कमांड सीखी हैं। फर्स्ट है हमारा रेक्टेंगुलर कमांड, देन मूव कमांड, देन कॉपी कमांड, देन ऑफसेट कमांड। आई होप जो मेरी नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं आपको और भी कमांड सिखाऊंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून।